हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली, बहुत ही सॉफ्ट इडली और बिना सोडा के, बिना इनो के। आज मैं बनाऊंगी इडली बहुत ही सॉफ्ट। आप इजली रेसिपी देखिए और इजली अपने घर में बनाइए। जिनके पास इनो नहीं है वो भी आराम से बनाइए इडली। मैं एक कटोरी लूंगी रवा, एक कटोरी लूंगी दही, 1 स्पून लूंगी सॉल्ट, 1 स्पून लूंगी बेकिंग सोडा एंड 1/2 स्पून लूंगी सोडा। और एक बाउल में पहले रवा डालूंगी, एक कटोरी रवा। जितना रवा हो उतना ही दही लीजिएगा, वरना वो फूलेंगी नहीं। और एक कटोरी दही, इसको हम लोग मिक्स करेंगे। अब हम लोग डालेंगे इसमें 1 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून सोडा, बेकिंग सोडा एंड 1/2 स्पून सोडा। अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। जितना भी अगर मिक्स नहीं हो पाता उसके बाद लास्ट में हम लोग पानी डालेंगे। इसको 5 से 10 मिनट तक फूलने देंगे। इसको हम ऐसे मिक्स करके रख देंगे। गाइस, आप देख सकते हो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक फूलने देंगे, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे जितना भी कम होगा। गाइस, आप देख सकते हो ये फूलने के बाद ये ऐसी हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया हुआ है और इसको बहुत ज्यादा टाइम तक फेटा हुआ है। 10 से 15 मिनट तक फेटने के बाद ये ऐसे, जब इसमें हल्के से बबल्स होने लगे, आप देख रहे हो इसमें बबल्स हो रहे हैं, जब इसमें हल्के से बबल्स होने लगे इसका मतलब ये फूल चुका है। अब हम बनाएंगे इडली, सॉफ्ट सॉफ्ट इडलियां। गाइस, अब आप देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब ये पानी गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग इडली रखेंगे। अब इस स्टैंड में हम लोग थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। गाइस, फाइनली मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसमें इसको डालूंगी। इतना डालिएगा कि फूल के बाहर ना आए, आप देख रहे हो इस तरह से, नहीं तो ये ज्यादा फूलेगी तो ये बाहर आ जाएगी, फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। खाने में तो वैसे भी अच्छी लगेगी, सॉफ्ट इडली तो अच्छी लगती ही है वैसे भी, आप देख रहे हो इस तरह से। अब मेरा जब पानी गर्म हो जाएगा तो मैं इसको उसमें रख दूंगी और 5 मिनट के लिए। गाइस, आप देख रहे हो बिना इनो के ही बना हुआ है ये। गाइस, फाइनली मेरा पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसको रख दूंगी इसमें। अब हम इसमें लगाएंगे कैप और इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद देखते हैं कैसा बनता है हमारी इडली। गाइस, फाइनली 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इडली देखूंगी। वाओ, बिना इनो के इतनी फूलती है। और हम इसमें फॉर्क डाल के देखेंगे, अगर इसमें चपकेगा नहीं तो ये, आप देख सकते हो मेरी इडली पक चुकी है। और आप देख रहे हो कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी इडलियां बनी हुई हैं और बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इडलियां बनी हुई हैं और देख सकते हो आप। तो इस तरह की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को शेयर करिएगा। और अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको ये कैसी लग रही हैं और सबकी सब फूली हुई हैं कि नहीं। गाइस, आप लोग देख रहे हो मेरी सारी इडलियां कितने अच्छे से फूली हुई हैं, ये देखिए सारी इडलियां बहुत अच्छे से फूली हुई हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई हैं।
तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। और इसको हाँ इजिली निकालिएगा, फॉर्क से स्पून या नाइफ से निकालिएगा आराम से, जो ये टूटे ना। आप इसको स्पून से निकालोगे तो बहुत ही अच्छे से निकलेगी, और आप देख रहे हो मेरी इडली। गाइस आप देख सकते हो मेरी इडली, और मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी हुई है। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फाइनली मेरी बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी इडली तैयार हो चुकी है, आप देख लो। और हाँ प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फिर आपके लिए मैं ऐसी इजी तरीके वाली रेसिपी लाती रहूंगी, और हाँ घर में खर्च भी कम होगा और अच्छा खाना भी आप बना सकते हो। तो आप ये देख रहे हो बहुत 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 अच्छी है। ओके सब्सक्राइब लाइक शेयर, बाय बाय।